नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक अनुराग में। दोस्तों आज का वीडियो छोटा सा होने वाला है जिसमें हम UEFI बॉक्स के बारे में अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग तो हो चुका है पहले ही, बट इसको दिखाएंगे इसमें क्या क्या आपको मिलता है, कि UEFI बॉक्स के कंप्लीट सेटअप के साथ क्या क्या मिलता है, तो उसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। उसका क्या काम है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो सिंपली अगर मैं इसको दिखाता हूँ बाहर से बॉक्स, तो बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है। ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं, छोटा सा एक बॉक्स आता है, देख सकते हैं इस प्रकार एक बॉक्स है। इस बॉक्स में फ्रेंड्स जैसे UEFI USB कुछ लिखा हुआ है आपका है, UEFI बॉक्स के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे UEFI बॉक्स के वेबसाइट के बारे में दिया था UEFI.com। इस तरह का एक छोटा सा सिंपल सा बॉक्स आता है। इस बॉक्स में फ्रेंड्स दोनों तरफ सील लगे रहते हैं, इस तरह के माडवी फॉर्म तरफ सील लगे हुए आते हैं, तो आपको इस तरह आएंगे। अगर आपको UEFI बॉक्स मिलता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सारे जितने भी आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टूल्स एंड डोंगल्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज सभी हमारे तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है सारा आपको नीचे मिल जाएंगे, जहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे पास जितने भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अप टू डेट रहें सॉफ्टवेयर के मामले में। ठीक है दोस्तों, बहुत बात हो गया, तो अपने UEFI के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है UEFI बॉक्स, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें क्या क्या मिलता है सभी को दिखा रहा था उसमें। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ, छोटा सा बॉक्स ओपन होने के बाद इस तरह कुछ दिखता है। इसलिए दोस्तों ये तार वायर खुला हुआ है क्योंकि मैंने इसे यूज़ कर रहा हूँ बहुत दिनों से, तो मैंने वाईफाई खोल के रखा है, तो वायर खुला हुआ है। तो वायर इसी तरह का पैकेट में सील आएगा, मतलब इस तरह का पैकेट में मिला हुआ आएगा। ओके, तो इस पैकेट में दोस्तों देख सकते हो वायर की क्वालिटी, ये एक RJ45 केबल है, यानी ऑक्स केबल भी इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये RJ45 बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये प्रिंटर केबल है, देख सकते हो प्रिंटर केबल है, तो प्रिंटर केबल का जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी है, इसका जो वायर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, ये वायर है आपका, इस तरह पे प्रिंटर केबल मिलता है, एक और 5 वोल्ट का केबल मिलता है, लैपटॉप में मिल रहा है। इसमें इस तरह का एक 5 वोल्ट का एडेप्टर मिलता है जो कि पावर सप्लाई, बॉक्स को पावर सप्लाई देने का काम आता है, जब बॉक्स को पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। सबसे मेन जो इसमें है फ्रेंड्स, ये आपका UEFI बॉक्स है, जो कि छोटे से टूल में ही सारा कुछ आपका दिया हुआ रहता है। ओके, तो छोटा सा एक बॉक्स है UEFI का, जिसमें आपको यहाँ पे 3.0 का USB पोर्ट दिया रहता है, यहाँ पे आपका सर्विस पॉइंट दिया रहता है जहाँ से आपका एडेप्टर जो है कनेक्ट होगा, और यहाँ पे आपका ऑक्स केबल या फिर दोस्तों इसको बोल सकते हैं RJ45 का जो कनेक्टर है वो यहाँ पे दिया रहता है। और पीछे इसमें दोस्तों यहाँ पे SD कार्ड का ऑप्शन दिया रहता है, इसको आप छेड़छाड़ ना करें क्योंकि यहाँ पे आपका सिम लगा रहता है, इस बॉक्स का जो है सिम कार्ड लगा रहता है जिसके थ्रू ये सर्वर से कनेक्ट होता है, जिसको आप छेड़छाड़ ना करें। यहाँ 5 वोल्ट का कनेक्टर लगा रहता है जो कि आप ये कनेक्ट करेंगे जब पावर सप्लाई का एक्सटर्नल जरूरत पड़ेगा, या आपका प्रिंटर केबल का जगह है जिसमें आपको जो है कनेक्ट करना पड़ता है, इसी के थ्रू किसी सर्वर कनेक्ट होता है। ओके, तो ये आपको एक बॉक्स मिल गया। बॉक्स मिलने के बाद आपको इस तरह के कुछ ये ISP पिन आउट्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एडाप्टर दिया हुआ है, मैं सबको दिखाता हूँ सभी को। यहाँ पे ISP को कनेक्ट करने के लिए इस तरह का कुछ पिन दिया रहता है, देख सकते हैं इसमें आपको सारे जो है जो पिन कनेक्ट होते हैं, VCC, VCQ, ग्राउंड, CLK, CMD एंड डाटा 0, ये सारा पॉइंट दिया जाता है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ISP के थ्रू भी मोबाइल को अनलॉकिंग या फ्लैशिंग या फिर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मेनली इस बॉक्स का यूज प्रोग्रामिंग के लिए होता है, यानी जब भी आपका UMC डेड हो जाता है या खराब हो जाता है या फिर अनलॉकिंग करते समय डेड हो जाता है, तब उसको प्रोग्राम करने के लिए इस बॉक्स का यूज किया जाता है, इससे आप अनलॉकिंग भी कर सकते हैं। ये आपका UEFI लाइट का एडाप्टर है जिसके थ्रू आप जो है इस कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं, और इससे हाई स्पीड में आपका जो है UMC जो है रीड एंड राइट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ कनेक्ट हो जाता है आपका, इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट होता है, देख सकते हैं यहाँ पे इसको इस तरह आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हाई स्पीड काम करना होता है तो हम लोग 3.0 का जो है USB कनेक्टर, ये UEFI लाइट एडाप्टर को यूज करते हैं। ये दोस्तों 3.0 है, ये भी 3.0 है, तो हमारा जो स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है रीड एंड राइट का। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा UEFI लाइट एडाप्टर मिलता है, और दोस्तों यहाँ पे हमें दो
बीजे एडेप्टर मिलते हैं जिसको ओपन हम लोग सिंपली इसके ऊपर इसे प्रेस करेंगे तो ये ओपन आराम से हो जाता है, जिसमें हमें पहले एडेप्टर में मिलता है बीजे 221 और ये दोस्तों बीजे 254, यहाँ दो एमएससी बैठते हैं, बीजे 221 एंड 254 एमएससी बैठते हैं। सिंपली सब कनेक्ट करने का तरीका है, अपने से यहाँ पर हम लोग जाएंगे यहाँ इस तरह की तरफ हल्का सा क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। तो यहाँ लॉक हो गया पहला एडेप्टर। और यहाँ पे आपका ये दूसरा एडेप्टर है, दूसरा एडेप्टर में देखिए इसमें चार जो है एमसी आपके पुट होते हैं, बीजीए 169, बीजीए 186, बीजीए 153 एंड बीजीए 162। यहाँ चार एमसी इसमें आपके कनेक्ट होता है, कोई इस तरह घूरे तो मतलब चारों एमसी यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो टोटल आपके जो है यूएफआई बॉस का जो एडेप्टर होता है उसमें आपका 6 एमएमसी जो है कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या क्या मिला, एक बीजे एडेप्टर, दो बीजे एडेप्टर, एक यूएफआई लाइट टूल और एक आपका है यूएमसी आईएसपी एडेप्टर मिलता है। यहाँ पे एक 5 वोल्ट का पावर एडेप्टर मिलता है, पावर केबल, जिसको आप पीसी के थ्रू यूएफआई बॉक्स को पावर देंगे और ये आपका यूएफआई बॉक्स का एक मेन सेटअप मिलता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको 4 सेटअप मिलते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 5 टूल्स 5 बॉक्सेस मिलते हैं, एडेप्टर्स मिलते हैं और यहाँ पे प्रिंटर केबल, एक पावर एडेप्टर मिलता है। तो मेनली इतना ही बॉक्स में आपको मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, इतने सारे नहीं। आपका सारा जो है ईएमसी का काम सारा इसमें कंप्लीट हो जाता है, जितने भी इकले बल्ब का प्रोग्रामिंग है वो सारे इसमें हो जाते हैं। और दोस्तों इससे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, मेनली इससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें सिंपली जो लोग करते हैं अनलॉकिंग करते हैं, तो अनलॉकिंग तो होता ही है, साथ साथ आईएसपी कनेक्टर से आप अनलॉकिंग कर देते हैं, अनलॉकिंग होता है इसके साथ आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप जितने डेड ईएमसी उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या फिर अनलॉकिंग करते टाइम अगर आपका ईएमसी डेड हो जाता है या फिर मोबाइल ऑन नहीं होता तब उसको इसमें लगा के आप उसका बूट इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और इसमें आप जितने भी मतलब सारे आपके ईएमसी को वर्क हो जाते हैं। और इसके जो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके सेटअप के बारे में बात करनी है, किस तरह सेटअप को इंस्टॉल करना है, सारे के बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो फ्रेंड्स इसमें बस इतना ही है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक टीपी पॉइंट भी मिलता है, जो पॉइंट तब यूज़ किया जाता है जब आपका ईएमसी कनेक्ट नहीं होता, उस टीपी पॉइंट को यूज करके आप लोग जो है ईएमसी कनेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत से इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेटअप इंस्टॉलेशन और क्या क्या सेटअप में क्या क्या टूल्स मिलता है सारे को बात करेंगे। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।